कोई बात नहीं, तुम खाते हो। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। राजा वही आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। ही केम टू नाउ द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। वह पक्षियों की असली कहानी को जानना चाहता था। सून जल्दी ही केम टू क्लियर वॉइस लुकड लाइक एन आश्रम। जल्दी ही उसे एक स्पष्ट जगह दिखाई दी जो कि बिल्कुल आश्रम जैसी लग रही थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। वह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। राजा ने अपना घोड़ा पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया के नीचे बैठ गया। सडनली अचानक ही हियर ए जेंटल वॉइस अनाउंस। उसे एक आवाज सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम। आपका स्वागत है श्रीमान जी। प्लीज गो इन साइड। कृपया करके अंदर आइए एंड रेस्ट और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्दी ही आते होंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोर्ट। वहाँ पानी ठंडा पानी है। प्लीज मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल। यहाँ आप आराम कर सकते हैं। द किंग लुकड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने ऊपर देखा तो उसे वैसा ही भूरे रंग का पक्षी दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड। वह हैरान था। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउट साइड द केम। वैसा ही पक्षी उसने गुफा के बाहर भी देखा था। ही सेड टू हिम सेल्फ अलाउड। उसने अपने आप से जोर से कहा। यू आर राइट सर। तुम ठीक कह रहे हो श्रीमान जी। आंसर्ड द बर्ड। पक्षी ने उत्तर दिया। ही इज माई ब्रदर। वह मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड विद रोबर्स। परंतु उसने लुटोरों के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज इफ दे डू। अब वैसे ही बातें करता है जैसा वे करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनीमोर। उसने मुझसे आज तक कभी बातें भी नहीं की है। जस्ट देन तभी द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर। आपका स्वागत है श्रीमान जी। ही सेड टू द किंग। उसने राजा से कहा। प्लीज कम इन साइड। कृपया करके अंदर आइए एंड मेक यूर सेल्फ एट होम। और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए दिखाई देते हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल। कुछ समय के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। तब आप मेरा भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैव बिहेव्ड सो डिफरेंटली थो दे लुक्ड सो लाइक। तब राजा ने ऋषि को वो सारी कहानी सुनाई उन दोनों पक्षियों की, जिनका व्यवहार बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग था परंतु वे दिखने में एक जैसे थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड। उसने कहा यह जंगल हैरानियों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। वह धार्मिक व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। प्रत्येक व्यक्ति उसकी संगत के अनुसार ही जाना जाता है। द बर्ड हैज ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स। उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की ही बातें सुनी थी। ही इमिटेट्स देम टॉक्स अबाउट रोबर्स पीपल। और वह तुरंत उनकी नकल करता था और वह ऐसे ही बातें करता था जैसे लुटेरे करते थे। दिस वन हैज रिपीटेड वट ही ऑलवेज हियर्ड। उसने हमेशा वही बातें दोहराई थी जो उसने सुनी थी। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। वह हमेशा ही आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ अब कम इन साइड द रेस्ट। अंदर आ जाइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस। मैं तुम्हें इस स्थान के बारे में और अधिक बताऊंगा एंड दिस बर्ड्स। और इन पक्षियों के बारे में भी बताऊंगा। अब इसमें हम जो जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनका मीनिंग भी करेंगे। बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स व्यवहार। टाइड बांध दिया। पोर्ट घड़ा। कंफर्टेबल आरामदायक। सिमिलर वाइज समान आवाज। होली मैन धार्मिक व्यक्ति। इमिटेट्स तुरंत। रिपीटेड दोहराया। सरप्राइजेस हैरानी से। स्माइल्ड मुस्कुराते हुए। भारत इसको कर दे बंद। एक बार सेव करना और बता दे।